भारत ने आज़ादी के 75वें वर्ष में कदम रख दिया है, वहीं इसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में अलग अलग जगहों पर मनाया जा रहा है और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ भी की जा रही है। आज चंडीगढ़ के सेक्टर 21 के सरकारी स्कूल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से एक पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया। इसमें बहुत से विद्यार्थियों ने और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने वहाँ पर पौधारोपण किया। आइए दिखाते हैं ये प्रोग्राम। आज का प्रोग्राम जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि जो आज़ादी के 75 साल पूरे होने पे पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाए, तो ये 12 मार्च को शुरू हुआ था और बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सोशल प्रोग्राम है, उसी का एक ये अंग है कि हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं जिससे कि जो पर्यावरण को है अच्छा बनाया जा सके। और अगर वृक्ष रहेंगे, वन रहेंगे, पर्यावरण अच्छा रहेगा तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और वृक्षों से सिर्फ फल ही नहीं, छाया भी मिलती है, लकड़ी भी मिलती है, पशुओं के लिए चारा भी मिलता है, इनकी मेडिसिनल वैल्यू है, बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं वो हमारा आयुर्वेद तो पूरा वनस्पति पर ही है। वृक्ष जो है कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो दुनिया पृथ्वी पे जो भी जीवन है वो वृक्षों की वजह से है। तो हम लोगों की कोशिश है कि जो फॉरेस्ट कवर है उसको बढ़ाने के लिए जहाँ पे भी मुमकिन है वो वृक्ष लगाए जाएं। और इसके लिए हम लोगों ने जो यहाँ का गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उनका सहयोग लिया है, प्रधानाचार्य मैडम हैं, स्कूल के बच्चे हैं वो सब मिलके, सुखपाल कौर मैडम हैं, डॉक्टर अनिल कुमार जी हैं, बच्चे हैं, वो सब मिलके हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं। हम लोगों ने तो 25 पेड़ लगाए हैं ऑफिसर्स की तरफ से, हर ऑफिसर ने एक पेड़ लगाया है और बाकी स्कूल के प्रधानाचार्य मैडम और स्कूल के बच्चे लगा रहे हैं। जितनी ज़मीन, मतलब जितना हमें स्पेस इन लोगों ने दिया है उसके हिसाब से हम लोगों ने लगाया है। और हम कोशिश करें कि जहाँ जहाँ पे भी हमें जगह मिलती है वहाँ पे जाके हम वृक्षारोपण करें। सबसे पहले तो ये है कि जो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो मोस्टली रेड ही करता है, पर मेरे स्कूल में 126 प्लांट्स लगा रहा है। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था जो पूरा करने जा रहा है। तो एक बहुत अच्छा मेथड है आज़ादी का 75th अमृत महोत्सव मनाने का। तो मैं सारे ऑफिशियल और स्पेशली इनके प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर श्री कृष्णा जी का थैंक्स करती हूँ, राहुल महाजन जी के लिए थैंकफुल हूँ कि स्कूल में मेरा लगता है एक छोटा सा फॉरेस्ट वाला एरिया बनाया जाए, उसमें कुछ एनिमल या फाइबर के एनिमल जो छोटे छोटे बच्चों को पता चले। और इनके मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल टॉक से आई थिंक स्टूडेंट भी इंस्पायर होंगे, टीचर्स भी इंस्पायर होंगे और अदर गैदरिंग भी इंस्पायर। मेन रीज़न ऑफ प्लांटेशन मेरा यही था कि इससे पहले आपने भी शायद सुना होगा कोई पंचवटी मीन्स 5 ट्रीज़ लगाते हैं जो मैक्सिमम ऑक्सीजन देते हैं। तो मुझे था कि वो ट्रीज़ में ऐसे प्लांट करूं कि मेरे स्कूल में एक प्लेस हो अंडर विच जो छोटे बच्चे हैं वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और मैक्सिमम ऑक्सीजन उनको मिले। ड्यूरिंग कोविड भी मेरे स्कूल में हर्बल गार्डन है, हम लोगों ने बड़ी सारी वो हर्ब्स सप्लाई की है, जो भी चाहिए किसी को भी चाहिए थी सोसाइटी में, जैसे मास्क दिए हैं, तो ये भी उसी का एक पार्ट है। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है क्योंकि प्लांटेशन तो हम साल भर में करते हैं, पर आप ये देखिए कि 100 इनकम टैक्स ऑफिस से जो लोग अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलते या रेड के लिए ही निकलते हैं, आज वो बच्चों के बीच में पौधे लगाने के लिए आए हैं। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा वो है। और 100 पौधा एट ए टाइम हम 120 पौधे लगा रहे हैं यहाँ पे। किस तरह के पेड़ जो हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं? ये बहुत ही आइसोलेटेड सा एक स्पेस थी, यहाँ बहुत गंद था यहाँ पे, और ये हमने एक छोटा जंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें फ्लावरिंग श्रब्स भी हैं, पेड़ भी हैं, बर्ड भी है, पीपल भी है, और फ्रूट्स के मैंगोज़ भी हैं, आड़ू भी है। इसमें हमने सेब और बादाम के पौधे भी लगाए हैं, तो ये सब मिक्स पौधे हैं। बेसिकली ये अवेयरनेस प्रोग्राम था जो इनकम टैक्स का था, और जैसे कि हम 75वां साल मना रहे हैं आज़ादी का, तो उसमें ये था कि हमने प्रिंसिपल मैम, एजुकेशन डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स को दोनों को मिला के हमने कोशिश की है कि एक अच्छा प्रोग्राम जाए, बच्चों में अवेयरनेस बढ़े कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।